हेलो यूट्यूब, आज हम सी प्लस प्लस में रिकर्सन फंक्शन से ऑड और इवन नंबर प्रिंट करना देखेंगे अलग अलग एक ही फंक्शन में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले रिकर्सन फंक्शन क्रिएट करते हैं, वॉइड ऑड इवन। इसमें हम दे देते हैं इंट ए स्टार्टिंग नंबर, इंट बी लास्ट नंबर के लिए। कंडीशन लगाते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर बड़ा हो तब रिटर्न, फंक्शन को बंद कर दो। अगर ऐसा नहीं है तब रिटर्न ऑड इवन ए प्लस टू कॉमा बी। और यहाँ हम ए को प्रिंट कर देते हैं, तो सी आउट ए, ए को प्रिंट कर दिया। अब ए को बढ़ाना है तो यहाँ कंडीशन ऑड को भी प्रिंट करना है, इवेन को भी प्रिंट करना है। तो ऑड इवेन प्रिंट करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मेन फंक्शन में अलग अलग से ऑड, अगर ऑड नंबर इंटर करता है यूजर तो ऑड को ऑड रहता है, और इवेन में प्रिंट करने के लिए इवेन कर देते हैं। तो पहले हम मेन फंक्शन में आते हैं, इंट मेन, यहाँ हम नंबर देते हैं इंट ए कॉमा बी, सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर सी इन ए सी आउट इंटर लास्ट नंबर सी इन बी, बी में स्टोर कर दिया। अब इवन नंबर के लिए हम प्रोग्राम के कंडीशन लगाते हैं इफ ए मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो अगर हो तब, इवन है तो इवन ही रहने देते हैं इसको, ए इक्वल टू ए एल्स ए इक्वल टू ए प्लस वन, अगर ऑड है तो उसको इवन में बदल देना है। अब फंक्शन को कॉल कर देते हैं ताकि इवन नंबर प्रिंट करें, ऑड ऑड इवन ए कॉमा बी। फिर इफ कंडीशन लगाते हैं ए मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो अगर डिवाइड हो जाता है तब ए इक्वल टू ए प्लस वन, एल्स ए इक्वल टू ए, अगर ऑड है तो ऑड ही रहने दे। अब यहाँ हम फंक्शन को कॉल करते हैं ऑड इवेन ए कॉमा बी। अब दो सी आउट लगा देते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पहले सी आउट लगाते हैं, ये इवेन नंबर है इसके लिए, तो सी आउट इवेन नंबर्स आर, इन डेल लगा देते हैं लाइन इन करने के लिए, और अलग लाइन में प्रिंट होगा। और फिर हम ऑड नंबर, जहाँ पे ऑड नंबर के लिए हम अलग से सी आउट ऑड नंबर्स आर इंडेल, ऑड नंबर प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे हम सामने भी इन लाइन लगा देते हैं ताकि अलग लाइन में आइए, तो यहाँ देते हैं इंडेल। अब इसको रन करेंगे, रन करने से पहले नीचे रिटर्न जीरो लगाते हैं, तथा विथआउट एरर रनिंग हो रिटर्न जीरो। नंबर देते हैं हम 100, यहाँ ऊपर देख सकते हैं इवन नंबर जितना है 1 to 100 और ऑड नंबर जितना है 1 to 100 प्रिंट कर दिया है। यहाँ हम एक रेंज में लाइक 20 to 60 प्रिंट करते हैं, 20 to 60 ऊपर में इवन नंबर, नीचे ऑड नंबर है, सिंपल है। यहाँ कंडीशन है अगर इवन नंबर है तो उसको इवन रहने देना है, और ऑड नंबर है तो इवन बना के यहाँ फंक्शन को कॉल किए हैं तो इवन नंबर प्रिंट कर दिया है। फिर सेम यहाँ इवन नंबर है तो उसको ऑड बनाना है, और ऑड है तो ऑड रहने देना है, फिर फंक्शन को कॉल किए हैं तो उसको प्रिंट कर दिया पूरा। और यहाँ कंडीशन समझ लेते हैं, यहाँ कंडीशन सिर्फ जब तक ए बी के बड़ा होता है, जैसे ही होता है रिटर्न बंद कर दो, और नहीं तो प्रिंट करते रहो ए को। किस कंडीशन में प्रिंट करना है, ए को प्लस टू टू करके प्रिंट करना है।
सिंपली जब ऑड में प्रिंट होगा तो प्लस टू करके ऑड प्लस टू यानी लाइक थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस टू सेवन ऐसे प्रिंट होगा, और इवन में टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू सिक्स ऐसे करके प्रिंट होगा। तो इस तरह हम ऑड इवन नंबर सेम एक ही प्रोग्राम में रिकर्सन प्रोग्राम रिकर्सन फंक्शन से प्रिंट कर सकते हैं। सेम लॉजिक आप सी, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। थैंक फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।